गाइस, वेलकम है आपको, सॉरी स्वागत है आपको। तो मेरी जी रखा जाती है, तो स्वागत है आपको व्लॉग विद शशि पूजा चैनल में। और मैं हूँ चैनल का ओनर। ये बात मम्मी को मत बोलना, नहीं तो मेरे को चाटने पड़ेंगे। तो क्या नाम है, अभी हम आए हैं छत पे और छत का मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ा धूप है, लेकिन ठंड मेरे को ये मौसम समझ में नहीं आया। धूप है लेकिन ठंडी हवा चल रही है, तो आँख खोली नहीं जा रही, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक मिनट, हाँ अब ठीक है, यहाँ पर थोड़ी छाया है। तो अभी हम आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, अगर आप देख सकते हैं तो पीछे यहाँ, और इधर बहुत लोगों के कपड़े भी सूखे, उधर मम्मी भी सुखा रही है। तो देखिए, इंजॉय कीजिए आज का मस्त। अभी मैं नीचे आ गई हूँ और अयन को जो है नहलाया, क्योंकि वो नहाया नहीं था और छुट्टियाँ चल रही है तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो बस वो अभी जस्ट नहाया है, नाश्ता वगैरह तो सुबह ही कर लिया था। तो अभी है ना वो पढ़ रहा है और मैं छील रही हूँ अनार, क्योंकि इसका बनाएंगे जूस। और एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसको आप भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सर्दियाँ आ रही है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने एक पतीला रखा है, खाली पतीला है, गैस पर तुरंत रखा और तुरंत की तुरंत में गैस बंद कर दूंगी और जो जूस हम निकालेंगे उसको छोंक देंगे। ठीक है, अभी देखिए मैं कैसे करूंगी, इस पे रखूंगी चलनी और चलनी से जूस इस पे डालूंगी और जो इसमें से धुआं निकलेगा ना वो नुकसान नहीं करता है, बाद में जूस बच्चे को आप दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अब दिन छोटे हो रहे हैं तो मौसम जो है पलट रहा है, इससे क्या है बच्चे जो है बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग को प्रिकॉशन चाहिए। कैसे हो आप लोग? तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और अभी शाम हो गई है तो मैंने चाय पी ली है, इनको भी दे दी है, और अयन अभी दूध नहीं पिया क्योंकि वो खेलने के लिए गया हुआ है। शाम को उसका फ्रेंड आ गया था 5 बजे के आसपास, तो वो जो है उसके साथ में चला गया ऊपर खेलने के लिए, तो वो अभी है नहीं, जब आएगा तब उसको दूध दूँगी। और मैंने कान के भी ना रात को खोल दिए थे, आप देख सकते हो ये वाले कान में ना छेद छोटा है मेरा, मतलब ठीक है, और इधर वाले कान में ना कान का छेद जो है काफ़ी बड़ा है। और इसकी वजह से ना क्या होता है कि मैं ज़्यादा लटकन वाले कान के, हैवी कान के जो है वो नहीं पहन पाती हूँ, इयर रिंग्स वगैरह, तो छोटे छोटे पहनती हूँ। और रात को तो मैंने वो भी खोल दिए थे क्योंकि उसकी जो डंडी होती है ना पीछे वाली, वो मेरे कान में जब मैं यूँ सो रही थी तो पीछे की तरफ चुभ रही थी, तो मैंने तकिया के नीचे खोल के ही रख दी थी। फिर अभी शाम से मुझे ध्यान आया, जब ये तकिया आया ने इधर उधर हटाया, तब मैंने उसको बोला कि अरे बेटा मेरा कान का था यहाँ पे, और वो गोल्ड के थे, मैं गोल्ड के ही पहनती हूँ, आर्टिफिशियल क्या होता है ना मेरे कानों में लगते हैं, वो बड़े अजीब से हो जाते हैं, फिर घाव वगैरह हो जाता है। तो बचपन से ही मम्मी क्या करती है, मुझे सोने की कान के पहनाई, और आर्टिफिशियल अगर पहनने का कभी मन भी करता है तो पहनती हूँ और थोड़ी देर बाद ही उसको रिमूव कर देती हूँ, हटा देती हूँ, खोल के पटक देती हूँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, फिर ईचिंग भी होने लग जाती है। तो अभी जो है रात का खाना बनाना है और बज रहे हैं शाम के 7:30, आप देख सकते हैं 7:30, इट मीन्स कि 7:15 बज रहे हैं अभी। और यहाँ पर जो है ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, और ये काम मुझे बहुत भारी लगता है, मुझे कपड़े समेटने जो है गाइस बहुत भारी लगते हैं, बहुत भारी। एक सेकंड, मैं कैमरा को ना थोड़ा रख देती हूँ नीचे, फिर आप लोगों से बातें करूँगी। तो ये जो ढेर लगे हुए हैं ना, इनको निपटाते हैं पहले, पूजा कर ली है मैंने, चाय वाय भी हो गई है,
तो इसे पहले समेट करके कबर्ड्स में रख देती हूँ, और फिर आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है मुझे, और आप लोगों से पूछना भी है मुझे, आप लोगों के सजेशंस की ज़रूरत है मुझे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करो यार। आप लोगों को पता है यूट्यूब पे वीडियो डालना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। जो लोग वीडियो बनाते हैं उन्हें तो बहुत अच्छी से पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब पे वीडियो बनाने में। तो वीडियो बनाना ही खाली नहीं है, बनाना के फिर उसे एडिट करना है, फिर उसको आप लोगों तक पहुंचाना है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो जब तक हम मेहनत कर रहे हैं और हमें उसका फल जो नहीं मिलता है ना, तो मन अंदर से बहुत उदास हो जाता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है गाइस, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को और यूट्यूबर्स को, जब मैं देखती थी कि ये जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। घर पे बैठ के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम एक तरीके से ये। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे हैं, लेडीज़ जेंट्स मेल फीमेल सभी है, बहुत सारे लोग हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मैं भी यूट्यूब पे अपना चैनल बनाई थी, और अभी तक मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा भी कि नहीं, मुझे भी लोगों का प्यार मिलेगा कि नहीं, मेरे भी कोई 10-20 हज़ार 50 हज़ार या लाख सब्सक्राइबर कभी होंगे भी कि नहीं, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मुझे जितने लोग अभी तक देखते हैं, पता नहीं सब्सक्राइब करके जाते भी हैं कि नहीं जाते, मुझे नहीं पता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे, तब तक जो है मैं लाइफ में सक्सेस नहीं पाऊँगी, और आप लोगों की हेल्प की वजह से ही मुझे भी सक्सेस मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार मेरे साथ बना के रखिए, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन आए, जो नेगेटिविटी मेरे मन में है उसको आप लोग पॉजिटिव वे में जो है कन्वर्ट कर दो। ये आप लोगों का काम है। अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों का मुझे कितना प्यार और कितना सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे पहली बार देख रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मैं कपड़े समेट लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ दिखाना है मुझे, तो वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए गाइज, ये है रेड कलर की साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी है। ये साड़ी जो है सिल्क की साड़ी है, और इसमें जो है इस तरीके से गोल्डन की लाइनिंग है, और पूरी साड़ी में जो है इसमें बूटे छिपे हुए हैं सिल्वर और गोल्डन कलर के, और स्टोन का थोड़ा थोड़ा काम हो रखा है। मैंने जो है सामने से भी वीडियो ली थी, बट आई एम वेरी सॉरी गाइज, वो वाली वीडियो मेरे से पता नहीं कैसे डिलीट हो गई,
और जो है ये बात वाली क्लिप मेरे पास बची तो मैंने यही डाल दी। आप लोग देखिए कैसी है साड़ी, इसमें फॉल वगैरह सब लगी हुई है, बस मुझे इसका ब्लाउज़ सिलाना है। तो इसका ब्लाउज़ मुझे प्लेन, अगर मैं रेड लेती हूँ तो साड़ी इतनी उभर के नहीं आएगी, तो इसीलिए मैं सोची हूँ इसके लिए गोल्डन कलर का जो है ब्लाउज़ ले लें। आप लोग बताइएगा इसके साथ कौन सा कलर का जाएगा। और बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें बूटे छिपे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें जो है, बहुत सुंदर साड़ी है ये भी, और फॉल वॉल लगा के एकदम रेडी है। तो बस इसका ब्लाउज़ बनना है। तो एक साड़ी ये है, और जो दूसरी साड़ी दिखा रही हूँ मैं, ये है साड़ी आपके जाकर के सुपर नेट की साड़ी है, और ये जो है इसका पल्लू है जिसमें कि पूरे लीफ के डिज़ाइन की जो है सिल्वर कलर का इसमें जो है बूटा जैसा, मतलब पत्तियाँ जैसी छिपी हुई है, और जो फूल फूल है वो पूरी साड़ी में है, तो वो भी दिखाऊँगी। और ये इस तरीके की बॉर्डर इसमें छिपी हुई है, साथ में जो है रेड कलर की पट्टी है। तो इसके साथ का जो ब्लाउज़ है वो जो है रेड कलर का है, तो मुझे इसके साथ ना कम जाता नज़र आ रहा है। आप लोग बताइएगा इसके साथ जो है ये सिल्वर कलर का अगर मैं रेडीमेड ब्लाउज़ लूँगी तो कैसा लगेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरीके से इसमें पत्तियाँ छिपी हुई है, और इसका कपड़ा जो है काफ़ी अच्छा है, और पूरी साड़ी में इस तरीके से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये जो है बॉर्डर लगी हुई है, पूरी साड़ी में ही वर्क है इसमें इस तरीके से पत्ती का। और एक बार अगर आप इस साड़ी को जचा के पहन लोगे ना तो जस की तस फिर ये नहीं होने वाली, इधर से उधर भी नहीं होगी, बिल्कुल सेट रहेगी। बस इसको पहनने का है कि आप अच्छी से एकदम पहने तरीके से तो बहुत अच्छी लगेगी। पिंक कलर की साड़ी है, अभी पता नहीं कैमरे में पता नहीं क्यों रेड रेड सी लग रही है, बट ये कलर जो है बिल्कुल पिंक कलर है। तो मुझे इसका ब्लाउज़ आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि सिल्वर कलर का अच्छा लगेगा ना, और बहुत प्यारी साड़ी है। मैंने फ्रंट से दोनों ही साड़ी है, देखिए इसमें जो है ये इसका ब्लाउज़ है, तो ये ब्लाउज़ मुझे बिल्कुल इसके साथ जाता नज़र नहीं आ रहा है, ये साड़ी के साथ ही आया है, बट मैं इसके साथ मेरा मन नहीं है सिलाने का, अगर सिलाऊंगी तो साड़ी जो है बहुत अच्छी से उभर के नहीं आएगी। देखिए ये इस तरीके से रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिया है, बट मुझे ये कम जच रहा है, और मैंने सामने से भी बनाई थी वीडियो बट डिलीट हो गई, वेरी वेरी सॉरी उसके लिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यही साड़ी थी दोनों, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।